रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में फर्जी टीटी का मामला सामने आया है, जो ट्रेन से रोजाना आने जाने वाले छात्रों से टिकट चेक कर उनसे 300 रुपए की उगाही कर रहा था। छात्रों ने उसे पकड़कर स्टेशन मास्टर को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया युवक अतुल है, जो मथुरा के राधापुरम का निवासी है। शिकायतकर्ता गांव पडरारी निवासी राहुल कुमार ने रेलवे के अधिकारियों को लिखित रूप से शिकायत सौंपी है। दरअसल वह मथुरा से कासगंज को जाने वाली सवारी गाड़ी में अपने अन्य साथियों के साथ सफर कर रहा था। इसी बीच फर्जी टीटी टिकट चेक करने लगा। बगैर रसीद दिए उसने 300 रुपए उससे और उसके साथियों से वसूल लिए। रसीद न मिलने पर उन्हें शक हुआ और राया उतरते ही स्टेशन पर अधिकारियों को उन्होंने शिकायत सौंपी। रेलवे के अधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। हालांकि पकड़ा गया युवक अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार करता नजर आ रहा था। मुझे समस्या ही, मैं वो 15-20 लड़कों ने पकड़ लिया, इंजाम लगाया, फिर टिकट चेक कर रहा था, वो कुछ टिकट वगैरह कुछ नहीं चेक किया। जो ट्रेन में से सवारी उतरी है, ये बता के गई है कि हमसे टिकट चेक करी है, ये बात सही है गलत है? गलत है। जन्मभूमि मथुरा में आए जो लोग श्रद्धालु मथुरा नगरी में देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और अपने कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में खुशहाली लाएं और हम आने वाले देशवासियों को, पर्यटकों को, देश विदेश से आने वाले सभी को स्वागत करते हैं और सभी इस पर्व को अच्छे से मनाएं और इसका आनंद लें।